टू डेज हैमिस फेस्टिवल मनाया गया लेह में, टू डेज हैमिस फेस्टिवल मनाया गया लेह में मनाया गया, क्यों मनाया गया, तो सेकेंड एनिवर्सरी मतलब ये एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी है उन्हें बोला जाता है सेकंड बुद्धा, उन्हें जाना गया है दूसरे बुद्धा के नाम से, जिनकी ये एनिवर्सरी है। एग्जाम में अगर सवाल पूछ लिया जाए कि दूसरे बुद्धा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप जवाब देंगे सर दूसरे बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध है गुरु पद्मा संभवा, गुरु पद्मा संभवा प्रसिद्ध है दूसरे बुद्धा के नाम से, सेकंड बुद्धा भी इन्हें बोला गया है, ठीक है, सेकंड बुद्धा भी इन्हें बोला गया है, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया है दो दिन लंबा चलने वाला त्यौहार, और कहाँ मनाया गया है, लेह के अंदर, कहाँ मनाया गया है, लेह के अंदर ये त्यौहार मनाया गया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, क्लियर। बाकी अपने जितने ग्रुप्स हैं उसमें क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि भाई साहब मुझे तसल्ली मिल जाए कि हाँ जी आपने क्लास को कहीं ना कहीं शेयर कर दिया है, ठीक। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल, ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, आप देख सकते हैं आगे चित्र है, फेस्टिवल से संबंधित चित्र है आपके सामने, जो हैमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लेह के अंदर उससे संबंधित चित्र है, क्यों मनाया जाता है, तो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु पद्मा संभवा की बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्हें सेकंड बुद्धा के नाम से जाना गया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड बुद्धा वाला आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा आएगा मेरे हिसाब से, नोन एज द सेकंड बुद्धा, इन्हें सेकंड बुद्धा के नाम से जाना गया है, द टू डेज हैमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट टू कॉमर्स टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा संभवा ऑल्सो नोन एज सेकेंड बुद्धा, द एनुअल फेस्टिवल विच इज ऑल्सो नोन एज हैमिस टीस टू इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द 5th मंथ ऑफ तिब्बत लूनार कैलेंडर विच इज बिलीव टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा संभवा, वो बोल रहा है कि इसे एक और नाम से जाना जाएगा, वो नाम क्या होगा, आपके सामने लिखा हुआ है नाम हैमिस टीस टू के नाम से इसे जाना जाएगा, और किस दिन ये मनाया जाएगा, तो कैलेंडर है भाई साहब उनका अपना कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है, तो तिब्बतियन लूनार कैलेंडर के अनुसार ये 10वें दिन 5वें महीने के मनाया जाएगा, ठीक है ना, बर्थ एनिवर्सरी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में ज़रूर आएगा, नहीं देते रहिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्लास यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल अपना है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।